हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत नेपाल सीमा विवाद ये देखा जाए नई कहानी नहीं है, लेकिन एक नया मोड़ जरूर इसमें शामिल होते हुए देखा जा रहा है। नेपाल सरकार के द्वारा अपना एक नया 100 रुपये का नोट जारी किया गया है और इस 100 रुपये के नोट में नेपाल अपना जो भू राजनीतिक मानचित्र यहाँ पर जारी कर रहा है, जो इसमें छापने जा रहा है, उसमें 3 भारतीय भूभाग क्षेत्रों को शामिल कर रहा है। एक तरीके से यहाँ पर उन्हें भारत नेपाल अपनी सीमा के अंतर्गत मानता है, उन्हें नेपाल अपना भूभाग मानता है। इसके कारण यहाँ पर समझने वाली बात है कि भारत नेपाल सीमा विवाद की स्थिति क्या है, ये कौन से 3 क्षेत्र हैं और इनकी यहाँ पर रणनीतिक इंपॉर्टेंस क्या है। भारत नेपाल संबंधों में इस तरह के यहाँ पे समस्याएं क्यों देखने को मिल रही हैं? क्या चीन इसमें एक बड़ा कारक बनते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि चीन पिछले कुछ समय से नेपाल के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं भारत नेपाल में यहाँ पर ये संबंध जो होते हैं पहले से बेहतर नहीं रहे हैं। आइए इस मामले की यहाँ पे एक समीक्षा करते हैं, मामले की यहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं और साथ ही साथ भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी चीन कारक के दृष्टिकोण से समीक्षा करते हैं। इसमें अगर हम देखिए जो चर्चा का विषय रहा है, क्यों रहा है, जैसा हमने कहा कि नेपाल सरकार के द्वारा 100 रुपये के नया नोट यहाँ पर डिजाइन करने की बात चल रही है, उसको लेकर के यहाँ पर मंत्रणा हुई और उस मंत्रणा के पश्चात यहाँ पर नेपाल अपना, यानी कि नेपाल जो अपना भूभाग है या नया नक्शा है, वो एक तरीके से जारी करने जा रहा है। और इस नए नक्शे में यहाँ पर जो चर्चा का या जो विवाद का यहाँ पर विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके दिखाए जाए जो भारतीय भूभाग क्षेत्र हैं और इसमें 3 इलाके हैं। एक है आपका लिपुलेख, दूसरा है लिपियाथुरा और तीसरा है यहां पर काला पानी। ये विवाद यहां पर बना कैसे, तो यहां पर देखें, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई में एक बैठक यहां पर होती है। बैठक जो होती है शुक्रवार को हुई और यहां पर एक फैसला लिया गया। कि सरकार की एक जो प्रवक्ता है रेखा शर्मा, उनकी कैबिनेट मीटिंग के दौरान यहां पर यह फैसला लिया गया था और 100 रुपये के जो नए नोट यहां पर डिजाइन किए गए हैं उसमें इस नक्शे को यहां पर छापने की बात की गई है। वहीं बात करें यहां पे नेपाल के वर्तमान सरकार के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो इस समय प्रचंड हैं, मार्च में ही उन्होंने नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ यहां पे गठबंधन को तोड़ा और सीपीएन यूएमएल पार्टी के साथ यहां पे गठबंधन करके सरकार बनाई। अब अगर हम देखें यहां पर देखें, इस पार्टी के जो लीडर हैं केपी शर्मा ओली हैं, जो कि यहां पर चीन समर्थक माने जाते हैं। यानी कि एक तरीके से एक ऐसी सरकार का गठन होना जो कि यहाँ पे चीन समर्थक है और उसके पश्चात नेपाल के द्वारा एक ऐसा यहाँ पे भू राजनीतिक मानचित्र को जारी किया जाना जिसमें भारतीय भूभाग क्षेत्रों को अपना बताया जाना है, यहाँ पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत नेपाल सीमा विवाद में चीन एक बड़ा कारक यहाँ पर हो सकता है। अब आइए यहाँ पर इस विवाद को समझते हैं, एक नक्शे के माध्यम से स्थिति क्या है उसकी थोड़ी सी जाँच पड़ताल भी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो 3 क्षेत्रों की यहाँ पे बात की गई है वो 3 क्षेत्र हैं कौन से, तो ये भारत है, यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे आपका चाइना है। 3 जो क्षेत्र हैं जिनको यहाँ पे शामिल करने की बात की गई है, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं काला पानी है, दूसरा यहाँ पे आपको लिपुलेख है और तीसरा यहाँ पर आपको देखा जाए तो लिपियाथुरा है। अब इसमें से यहाँ पे 2 ऐसे क्षेत्र यहाँ पर जो देखा जाए, जैसे काला पानी है और लिपुलेख जैसे एरियाज हैं, लिपियाथुरा है, जैसे कि एक ट्राई जंक्शन भी बनाते हैं, अर्थात कि भारत नेपाल और चीन की सीमा, जिसके कारण तीनों ही देश यहाँ पर उस क्षेत्र को साझा करते हैं और ये विवाद का कारण बनता है। विवाद का कारण कहीं ना कहीं चीन ज़्यादा यहाँ पर परेशान इसलिए रहता है कि नेपाल जो है भारत के लिए एक बफर स्टेट का काम करता है और भारत यहाँ पर ऊँचे क्षेत्रों में होने के कारण यहाँ पर चीन पर एक कब्जा, एक तरीके से उनकी सेना किधर मूवमेंट कर रही है वहां पर नजर रख पाता है। इसमें यहां पर देखें जो लिपियाथुरा है वो करीब 335 जो एरिया है 335 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये देखा जाए तो नेपाल पर यहाँ पर देखा जाए जो सिगुली की यहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी, सिगुली की यहाँ पर ट्रीटी हुई थी 1816 में, उसके तहत नेपाल कहता है कि ये हमारा एरिया है, ये हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। दूसरा यहाँ पर देखा जाए जो आपका लिपुलेख और काला पानी की वैली है, यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये एरिया करीब 66 स्क्वायर किलोमीटर तक का है और इसको भी देखा जाए तो पहले भी यहाँ पर विवाद का विषय बना है, पिछले कई सालों से ये विवाद का विषय रहा है, जिसको कभी भारत अपना यहाँ पर बताता है, कभी नेपाल अपना बताता है, लेकिन भारत यहाँ पर उसे अपने मानचित्र में दिखा रहा है और नेपाल ने वही किया है कि अपने भू राजनीतिक मानचित्र में यहाँ पर उसे दिखाता है। अब स्थिति को थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी समझ लीजिए। देखिए नेपाल जो है 4 साल पहले यहाँ पर इन्होंने नए मैप जारी किए थे, इससे पहले भी 2020 की बात है, और इन 3 इलाकों को उन्होंने अपना बताया था पहले भी, ठीक है। नेपाल ने 18 जून 2020 को देश का ये पॉलिटिकल मैप जारी किया था और लिपुलेख, लिपियाथुरा और काला पानी को यहाँ पर अपना हिस्सा दिखाया था, जो कि अभी हमने मैप में देखा। भारत सरकार ने नेपाल के इस कदम को एकतरफा बताते हुए इसका विरोध दर्ज कराया। उसके बाद
भारत देखा जाए तो ने अपना मानचित्र जो दिखाया उसमें उन्होंने अपने इन तीनों इलाकों अपने क्षेत्रों में दिखाया, और करीब 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं भारत और नेपाल। भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा भी साझा करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर आपको लगती है। अब देखा जाए तो जो सीमा विवाद का एक कारण यहाँ पर है वो है नदियों के माध्यम से जो सीमाओं का विभाजन हुआ है वो इसमें एक बड़ा कारण बनते हुए दिखाई देता है। और वो होता कैसे है तो देखिए, भारत और नेपाल के मध्य जो है काली नदी वो सीमा साझा करती है, और काली नदी का जो रास्ता है वो कई बार बदलता रहता है, और ये एक यहाँ पर विवाद का विषय बना। कैसे बना? तो भारत, नेपाल और चीन की सीमाएँ हैं जो एक दूसरे से लगती हैं, और हिमालय की नदियों से मिलकर के यहाँ पर एक घाटी का निर्माण करती हैं। कई सारी नदियाँ जो होती हैं तीनों देशों में यहाँ पर आपको प्रवाहित होती हैं। नेपाल और भारत में जो बहने वाली नदी है जिसका नाम हम काली है, या इसको कई जगह महाकाली नदी भी कहा कहते हैं, इसका जो उद्गम स्थल है इस इलाके को यहाँ पे काला पानी कहते हैं, और यहीं पर लिपलेख दर्रा भी आपको है जहाँ पे यह दर्रा जो होता है आने जाने के एक मार्ग के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर कुछ दूरी पर एक यहाँ पर और दर्रा है जिसे हम लिम्पिया थुरा यहाँ पर आपको कहते हैं, जो एक भौगोलिक स्थिति आपको दर्शाती है। अब जो देखा जाए जो सिगौली की संधि होती है जिसके माध्यम से नेपाल कहता है कि ये एरिया उनको मिलने चाहिए, क्यों है तो उस संधि के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच 1816 में एक संधि थी जिसे यहाँ पे सिगौली समझौता कहा जाता है। इसमें कहा गया था काली नदी के जरिए भारत और नेपाल की सीमा यहाँ पे तय की गई, और काली नदी के यहाँ पर देखा जाए कि पश्चिमी क्षेत्र को भारत का इलाका माना गया था, और जबकि नदी के पूर्व में पड़ने वाला इलाका यहाँ पर नेपाल का बताया गया, और इस तरीके सुगौली की संधि में इस क्षेत्र को यहाँ पर विभाजित किया गया। अब विवाद यहाँ पर बनता वर्तमान समय में क्यों है, तो अब देखें जो काली नदी का उद्गम स्थल है यहाँ पर देखें तो सबसे पहले कहाँ से निकलती है इसे लेकर दोनों देशों के बीच एक तो विवाद का विषय है जिसके कारण एक समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा, भारत पूर्वी धारा को काली नदी का उद्गम मानता है, वहीं नेपाल जो है पश्चिमी धारा को उद्गम धारा मानता है, और इसी आधार पर दोनों देश जो हैं काला पानी के इलाके को अपना अपना यहाँ पर कहते हैं, जो कि यहाँ पर विवाद का विषय बनता है। अब यहाँ पर आप देखें तो एक भौगोलिक जो स्थिति है ये यहाँ पर भारत का उत्तराखंड के एरिया काला पानी, और ये जो नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर पूरी तरह का स्पष्ट नहीं होगी शायद, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ये एरिया है यहाँ पर ये नदी आपको देखा जाए ये प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और यही आपका एरिया है जहाँ पे आपका विवाद का विषय बन रहा है। अब देखिए वर्तमान की जो स्थिति है क्या इसमें चीन कोई कारक है, क्या भारत के दृष्टिकोण से रणनीतिक इसका महत्व क्या है वो भी यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए लिपलेख जो दर्रा है यहाँ पर आपको मानसरोवर यात्रा और चीनी सेना पर निगरानी करने के दृष्टिकोण से यहाँ पे दोनों स्थितियों में महत्वपूर्ण एक स्थिति रखता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी भारत, नेपाल, चीन के बीच रणनीतिक तौर पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ट्राई जंक्शन है। काला पानी से भारत बहुत आसानी से चीनी सेना पर यहाँ पर नजर रख सकता है, इसलिए भारत कहीं ना कहीं से रणनीतिक दृष्टिकोण से खोना नहीं चाहेगा। वहीं भारत ने पहली बार 1962 में चीन भारत चीन युद्ध के दौरान यहाँ सेना तैनात की थी, और इलाके के महत्व को देखते हुए इन दिनों यहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP यहाँ पर आपको तैनात रहती है। वहीं भारत से मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री इस इलाके के लिपलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं, और 1962 में चीन के हमले के बाद भारत ने लिपलेख दर्रे को यहां पर बंद कर दिया था। 2015 में चीन के साथ व्यापार और मानसरोवर यात्रा सुगम बनाने के लिए इसे वापस से खोल दिया गया, और मई 2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए पिथौरागढ़ से लिपलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर लंबी यहाँ पर नई सड़क का उद्घाटन किया, जिसे लेकर नेपाल ने यहाँ पर आपको नाराजगी जताई। तो ये स्थिति है जो उसकी महत्व कह सकते हैं महत्व रूप महत्वपूर्ण है, किस कारण से उसका एक रणनीतिक महत्व क्यों है वो हमने देखा। अब यहाँ पर लास्ट जो स्थिति आती है, क्या नेपाल को चीन उकसा रहा है भारत के विरुद्ध करने के लिए, क्या वो ऐसी रणनीतियाँ यहाँ पे लगातार भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपना रहा है, पहले हमने मालदीव को देखा, और क्या अब नेपाल को भी चीन इसी तरह निशाना साध रहा है। तो देखिए यहाँ पे नेपाल को उकसाने के पीछे चीन का हाथ हो सकता है, इसके पीछे कारक क्या है। देखिए अंग्रेजों के साथ संधि हुई, 100 साल बाद तक इस इलाके लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था, ठीक है, यहाँ तक कि भारत ने 1962 में चीनी आक्रमण को रोकने के लिए इस इलाके में अपनी सेना तैनात कर दी थी, और अभी भी इस इलाके के कई हिस्सों में यहाँ पर भारतीय सेना तैनात है, ठीक है। 1990 में देखा जाए तो नेपाल के राजशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए इस इलाके को लेकर विरोध यहाँ पर सबसे पहले उठने शुरू हुए 1990 में जाकर के। 2015 में
विवाद और ज्यादा गहरा जाता है जब कम्युनिस्ट नेता जो होते हैं केपी ओली नेपाल प्रधानमंत्री बने और ओली ने नेपाल के परंपरागत दोस्त भारत के बजाय चीन से नजदीकियां बढ़ानी यहां पर शुरू की 2015 में। इसके बाद चीन ने नेपाल में विभिन्न परियोजनाएं अरबों डॉलर यहां पर झोंक दिए और चीन के ऐसा करने के पीछे असली मंशा सदियों भारत के करीबी रहे नेपाल के खिलाफ यहां पर उसे उकसाने को लेकर थी, यानी कि भारत और नेपाल को एक दूसरे के विरुद्ध करने के लिए। इसके पिछले साल देखिए थे देश के थल सेना अध्यक्ष MM नवरणे ने कहा था कि नेपाल ऐसा किसी और के बहकावे में कर रहा है और नवरणे का जो इशारा रहा है वो चीन की तरफ था कि नेपाल अकेले ऐसा नहीं कर सकता है जब तक उसके कंधे पर किसी और का हाथ नहीं हो। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि लिबलेख में भारत के द्वारा सड़क निर्माण नेपाल की आपत्ति के बाद कहा था, नेपाल को इस मुद्दे पर गुमराह किया जा रहा है, उसे यहाँ पर इस मामले को भारत साथ मिलकर के यहाँ पर सुलझाना चाहिए, बैठना चाहिए और इस मुद्दे को समझना चाहिए। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा वर्तमान स्थिति के साथ साथ भारत नेपाल के संबंधों की थोड़ी सी समीक्षा भी कर लेते हैं। देखिए भारत नेपाल संबंधों की जो पृष्ठभूमि देखने को मिलती है, देखिए नेपाल भारत का सबसे पहले तो पड़ोसी है और भारत हमेशा एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी विदेश नीति के तहत फॉलोअप करता है। सदियों से देखा जाए तो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों में हमारी विदेश नीति में यहाँ पर नेपाल एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। भारत और नेपाल दोनों में देखा जाए हिंदू और बौद्ध धर्म के संदर्भ में यहाँ पर समान रूप से सांस्कृतिक रूप से इसे धार्मिक रूप से साझा करते हैं। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है, उनका निर्वाण जो होता है कुशीनगर भारत में स्थित हुआ। इसके बाद वर्ष 1950 में देखें तो भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि के बीच मौजूदा संबंध रहे वो एक विशेष यहाँ पर आधार दोनों को प्रदान करते हैं। संधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भारत नेपाल मित्रता शांति और मित्रता संधि रहे उसके यहाँ पर क्या प्रमुख पहलू हैं वो भी देख लीजिए। देखिए भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य है दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच एक तो घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना, दूसरी तरफ दोनों इस संधि के माध्यम से दोनों ही देशों के लोगों और उन वस्तुओं की जो है मुक्त आवाजाही, रक्षा, विदेश मामलों के बीच यहाँ पर देखा है घनिष्ठ संबंध और सहयोग यहाँ पर बढ़ाना। तीसरा, इस संधि के माध्यम से भारत से हथियार खरीदने की भी यहाँ पर एक सुविधा दी गई और साथ ही साथ इस संधि के माध्यम से नेपाल को एक भू आबद्ध देश होने के कारण कई विशेषाधिकारों को प्राप्त करने में भी सक्षम बनाया, जिसमें व्यापारिक गतिविधियाँ, बंदरगाहों का प्रयोग, मार्ग एक यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया जो कि यहाँ पर नेपाल के व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से भारत और नेपाल एक दूसरे के लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं। चीन जैसे देश जो हैं वो नेपाल और भारत के संबंधों को खराब करने के दृष्टिकोण से लगातार इस तरह का प्रयोग करते रहे, इसलिए भारतीय विदेश नीति में अपने पड़ोसी देशों को यहाँ पर साझा और विश्वास में लेकर के अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखना होगा और चीन के विरुद्ध यहाँ पर अपनी रणनीति को भी पुख्ता करना होगा। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।